माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा दसवीं तथा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आरंभ हो रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी केंद्र अध्यक्ष बोर्ड के निर्देशों का कठोरता से पालन कराते हुए परीक्षा संचालित करें। परीक्षा केंद्र परिसर में किसी भी प्रकार के व्यक्ति के पास मोबाइल फोन पाया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र अध्यक्ष भी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश ना करें। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कई कठोर उपाय किए गए हैं। प्रश्न पत्र के थाने से परीक्षा कक्ष तक लेकर आने के प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन करें। बोर्ड परीक्षाओं में गोपनीयता भंग होने पर FIR दर्ज करके कार्यवाही की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने कहा कि प्रश्न पत्र थाने में बंद बॉक्स में प्राप्त होंगे, केंद्र अध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्ति इसे खोलने का प्रयास ना करें। प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष के अंदर पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा। प्रश्न पत्र ABCD की सीरीज में होंगे, वहीं इन्हें वितरण की तालिका निर्देशों में ही दिए जाएंगे। प्रत्येक कक्ष में तालिका प्रदर्शित कर दें, इसी के अनुसार प्रश्न पत्रों का वितरण कराएं। निर्धारित क्रम के अनुसार प्रश्न पत्र का वितरण ना होने पर भी कार्यवाही की जाएगी। सभी केंद्र अध्यक्ष परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश ना होने दें। परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। किसी भी परीक्षा केंद्र से सामूहिक नकल अथवा अन्य गंभीर शिकायत मिलने पर FIR दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं सभी केंद्र अध्यक्ष परीक्षा केंद्र में अनुशासन बनाए रखते हुए बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराएं। परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों के लिए पेयजल, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था करें। परीक्षा केंद्र के बाहर मोबाइल फोन सुरक्षित रखने के लिए भी उचित प्रबंध कर दें। वहीं पर बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, जिला शिक्षा अधिकारी GP उपाध्याय तथा सभी केंद्र अध्यक्ष उपस्थित रहे। 26 तारीख को मेरे वाहन जबरदस्ती जब्त करके और फिर ये नोट ये पॉलिसी दिया है हमारी वाहन कोर्ट का। कहाँ है ऐसा आदेश की वापस किया जाए? नहीं, 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 इसमें हमारा आपका ये एक्टिव हमारा वाहन जब्त हुआ था तो हमने इसका रिविजन किया था आपके न्यायालय के लिए। इसमें माननीय द्वितीय पर जिला न्यायाधीश ने 17/18 के लिए संस्था का ऑप्शन नहीं है इसमें। तब ये बोले कि पैसा वहाँ पड़ा है, वो बन नहीं पा रहा, इतना मेहनत सब किया 6-7 महीने। तब ये आपके बोले कि आपके उससे होगा निर्देश से। अपने यहाँ बोर्ड परीक्षाएं 2023-24 के लिए जो तैयारी की गई है, जो शैक्षणिक सत्र है उसके लिए जो दिशा निर्देश आए हुए हैं उसमें सहायक केंद्र अध्यक्ष और केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं जो कि एक थर्ड पार्टी की तरह ऑब्जर्व करेंगे पूरी प्रक्रिया को। तो प्रक्रिया ये रहेगी, जो भी प्रश्न पत्र आएंगे वो प्रश्न पत्र अपने यहाँ एक समन्वय केंद्र पर आकर के फिर थानावार उनको रखा जाएगा और केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष को ये जवाबदारियाँ दी गई हैं कि जो केंद्रों पर व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की रहेंगी। तो उनमें 2-3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली हैं कि नंबर 1 की जितने भी हमारे प्रश्न पत्र हैं उनकी गोपनीयता को बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होगी और इसी के लिए मोबाइल फोन्स के प्रतिबंधित मोबाइल फोन्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम सेंटर के कैंपस में ले जाने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो कोई स्टाफ हो, केंद्राध्यक्ष स्वयं हो, सहायक केंद्राध्यक्ष हो या ड्यूटी में लगे हुए जो कक्ष के पर्यवेक्षक रहते हैं उनमें से भी किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं रहेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार जो प्रश्न पत्रों का वितरण है कक्ष के भीतर वो एक विशेष प्रक्रिया से किया जाएगा। तो उसके सेट बनाए गए हैं, जो अपने यहाँ प्रश्न पत्रों के सेट्स होते हैं तो वो इस तरीके से वितरण किए जाएंगे कक्ष में कि जो बच्चा किसी के पास ए सेट का पेपर है उसके अगल बगल या पीछे की तरफ जो बैठे हुए हैं उनके पास समान सेट का पेपर नहीं होगा ताकि परीक्षा की जो गोपनीयता है वो बनी रहे। साथ ही केंद्रों पर जो सामान्य व्यवस्थाएं रहती हैं जिसमें बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, इस तरीके से उनकी क्यू लगवाई जाए ताकि कम समय उनका लगे। जो केंद्र की व्यवस्थाएं रहती हैं जिसमें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश ना हो, इस तरीके की ताकीद सभी केंद्र अध्यक्षों को की गई है। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी केंद्राध्यक्ष की होगी। तो इसके लिए आवश्यक है, जो एक और दिशा निर्देश में चेंज हुआ है कि जो प्रश्न पत्रों के सेट वाले लिफाफे होंगे वो लिफाफे
परीक्षा कक्ष के भीतर ही खोले जाएंगे। अब केंद्राध्यक्ष भी उन लिफाफों को नहीं खोल सकेंगे, वो सील्ड लिफाफे होंगे और जहाँ पर स्टूडेंट्स को वितरण होता है प्रश्न पत्रों का, वो लिफाफे वहीं खोले जा सकेंगे। तो इससे और अधिक गोपनीयता को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सब चीज़ों का एक ट्रेनिंग कल सभी कलेक्टर प्रतिनिधियों को भी दिया गया है कि वो अपने पर्यवेक्षण के समय ये सभी चीज़ें इंश्योर करेंगे कि इन सभी का पालन हो रहा हो। और यदि परीक्षा के दौरान कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को लेकर के, परीक्षा का जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर के कहीं भी किसी भी केंद्र में कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और जो भी कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं उनकी ये पूर्णतः जवाबदारी होगी कि ऐसी स्थितियाँ ना बने। मतलब वीडियोग्राफी भी होगी जो संवेदनशील और अति संवेदनशील ऐसे केंद्र बनाए गए हैं अपने यहाँ, उनमें इस तरीके की व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी केंद्रों के लिए सामान्य व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन वहां पर जो विभिन्न फ्लाइंग स्क्वाड्स रहते हैं उनका आदेश जारी किया जा रहा है, वो फ्लाइंग स्क्वाड के साथ में डीओ की टीम, मंडल की टीम भी आती है, डिविजन लेवल की टीम रहती है, वो सभी भी ऑन टोज रहेंगे परीक्षा के दौरान। किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती है? पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि कहीं यदि परीक्षा प्रश्न पत्र कहीं फ़ोन के माध्यम से कहीं जाते हैं तो ऐसे केसेस में बहुत गंभीर कार्रवाइयाँ, बहुत ही कड़ी कार्रवाइयाँ विभाग द्वारा की गई हैं। तो इसमें ना सिर्फ विभागीय कार्रवाइयाँ हैं बल्कि आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करा करके कार्रवाइयाँ की जाएंगी।